प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में हरियाणा व महाराष्ट्र की तमाम विधानसभा सीटों पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और हरियाणा के ही प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन के अलावा कई अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा की तमाम 90 सीटों पर टिकटों का फैसला पार्टी ने ले लिया है। इनमें वो 18 सीटें भी शामिल हैं जिन पर पिछले कई दिनों से गहन विचार विमर्श चल रहा था। बता दें कि पिछले 4 दिनों से टिकटों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व तमाम अन्य नेताओं के बीच बैठकों का दौर चलता आ रहा है। कई बार पार्टी के अंदर ही विरोधाभास की खबरें भी मीडिया में आई। पार्टी रात को या फिर सुबह तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। पार्टी सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ताओं को भी तरजीह देने का प्रयास किया है, लेकिन बावजूद इसके इंपोर्ट होकर दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं की सूची भी काफी लंबी है। टिकट की उम्मीद लेकर काफी बीजेपी नेता पिछले 6 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। विभिन्न होटलों में रुके हुए इन बीजेपी नेताओं को आस है कि पार्टी उन्हें कंसिडर करेगी और टिकट देगी। बता दें कि से कम एक सीट पर दर्जनों नेता ऐसे हैं जो इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं और उन्हें लगता है कि किसी न किसी माध्यम से उनकी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और हो सकता है उन्हें टिकट दे दी जाए। लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट को फाइनल कर देगी। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की टिकटें अनाउंस होने के बाद कुछ लोग वहां से खिसक कर उनकी तरफ आ सकते हैं और जो उनमें से हैवी वेट होंगे कांग्रेस उन्हें लेने का प्रयास भी करेगी। वहीं उम्मीद की जा रही है कि जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी भी कल अपनी एक और लिस्ट जारी कर सकती है। बताते चले कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को चुनाव प्रस्तावित हैं और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।